अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज ईद का दिन है, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हम मस्जिद में आ चुके हैं और लगता है मैं बहुत ही जल्दी आ चुका हूँ मस्जिद में। इतना ज़्यादा रश भी नहीं है मस्जिद में, तो ये मस्जिद काफ़ी बड़ी है और आगे जाके देखें सारे ये मस्जिद इंशाल्लाह सब फुल हो जाएगी। अभी तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, वो आगे देखते हैं। इस्लाम एक ऐसा निजाम है कि जिसके अंदर किसी मकाम पर भी मुआशी बदहाली का तसव्वुर ही नहीं होता, और एक ऐसा दीन है कि जिसमें ज़हनी बेसुकूनी का कोई तसव्वुर ही नहीं किसी भी मकाम पर। आपके ज़हन में सवाल आएगा कि वो किस तरह, जरा ये इस पर तवज्जो कीजिए, हम आपकी बात मुकम्मल करते हैं क्योंकि आपके सिर्फ एक दो मिनट है। इधर भी तवज्जो कीजिए और इधर भी तवज्जो कीजिए ताकि जो इस सिलसिले को समेट लिया जाए जल्दी जल्दी। अजीज दोस्तों, इस्लाम ये कहता है माशी बदहाली दूर करने के लिहाज से इस्लाम ये कहता है। अब देखिए, मैं रमजान की जो खूबियां हैं उन्हीं की तरफ जाता हूँ। शरीयत मुतहरा ने यह कहा कि रमजान के अंदर एक वो बंदा है मुकद्दस भाई रमजान मुबारक की सुबह और शाम में तेरे अहकाम पर अमल करा होते हुए और यकीन जो कुछ हमने इंतमाम किया तेरी बंदगी के लिहाज से सब अपनी बारगाह में कबूल करवा। मेरे बात अहमद भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक। जी गाइस, आज वेदर भी बहुत खुशगवार है। अल्लाह ताला ने ईद का खास तोहफा दिया है रमतों के महीने पर हम मुसलमानों पर। हम अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। और जी ये गाइस, इस ईद के मौके पर मैं लोगों में अपनी खुशियां बांट रहा हूँ। अपनों से ज़्यादा मुझे लोगों में खुशियां मनाने का मज़ा आता है, और इस मौके पर आप लोगों ने दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना है। आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खुश रहें और खुश रखें दूसरों को भी।